स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर हम सभी देशवासी एक ऐसे पल के गवाह बने जिसने गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया। ये वो मंजर था जिसे देखने का प्रयास हम सब ने आज से लगभग 4 साल पहले भी किया था, लेकिन उस अधूरी सफलता का बोझ इसरो के साइंटिस्ट के कंधों से आखिरकार 23 अगस्त को उतर गया, जहां 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने वो कर दिखाया जिसका ख्वाब पूरी दुनिया और उस दुनिया के बड़े बड़े देश देखते रहे और आखिरकार चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया के पहले देश का खिताब हिंदुस्तान के नाम हुआ। भारत की सफलता ने दुनिया को ये संदेश दिया कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब अंतरिक्ष में हमारा परचम और भी ऊंचा लहराएगा, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने कमर कस ली है। असल में जहां सभी देशवासी अभी भी सफलता का जश्न मना रहे हैं, वहीं इसरो देशवासियों को एक नई खुशखबरी देने की तैयारी में लग गया है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान की। हालांकि इस मिशन के पहले भी इसरो कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जैसे आदित्य L1, मंगलयान 2 और शुक्रयान की लॉन्चिंग को अंजाम दे सकता है, लेकिन इन सभी मिशन्स के बीच गगनयान मिशन को इसरो के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा चैलेंजिंग और सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क बताया जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो गगनयान मिशन के अंडर इसरो द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट के जरिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले हैं। डेफिनेटली स्पेस में पहुंचना कोई रेयर अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जून 2023 से मिले डेटा के हिसाब से अब तक सिर्फ 656 लोग ही स्पेस में गए हैं, लेकिन ये डेटा असली पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि असल में ये सभी लोग सिर्फ 3 देशों द्वारा स्पेस में भेजे गए हैं, यानी मैन्ड स्पेस मिशंस को पूरा करने की कैपेबिलिटी सिर्फ 3 देशों के पास है, और वो देश हैं USA, रशिया और चाइना। गगनयान मिशन की सफलता भारत को इस लिस्ट में जोड़ते हुए दुनिया का चौथा ऐसा देश बना देगी जो मैन्ड स्पेस मिशंस करने में सक्षम रही है। आज के इस वीडियो में हम गगनयान मिशन के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, जहां हम गगनयान के मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे, किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए गगनयान मिशन स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा और कैसे वहां पर मिशन कंप्लीट करके वापस उसे एस्ट्रोनॉट्स के साथ लौटना है। साथ ही हम इस मिशन से जुड़े चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। भारत के गगनयान मिशन के अनाउंस होने के बाद सबसे पहला चैलेंज है इस मिशन के लिए व्यूमेनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट कर उन्हें मिशंस के लिए तैयार करना। 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे और अपने मिशन से पहले वो इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के तौर पर सर्व कर चुके थे, इसलिए एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स का रुख किया गया, जहां से 4 जानबाज ऑफिसर्स को गगनयान मिशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया। इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में एस्ट्रोनॉट्स की इनिशियल ट्रेनिंग, जिसके लिए रशियन स्पेस एजेंसी से बातचीत की गई। इसके लिए इसरो ने ग्लाफ कॉस्मोस नाम की एक रशियन कंपनी का रुख किया, जो रॉस कॉस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन का पार्ट है। इस कंपनी और इसरो के मैन्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के बीच 27 जून 2019 को इंडियन कैंडिडेट्स के ट्रेनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। उसके बाद 10 फरवरी 2020 को यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। हालांकि मार्च में हुए कोविड पैंडेमिक आउटब्रेक की वजह से कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग पर ब्रेक लगाना पड़ा, लेकिन मई में ट्रेनिंग दोबारा रिज्यूम कर दी गई। फाइनली मार्च 2021 में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ने रशिया में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर भारत लौट आए। सितंबर 2021 में सभी पायलट्स कर्नाटका के बीदर भेजे गए, जहां उनकी फ्लाइट ट्रेनिंग को शेड्यूल किया गया था। यहां इंडियन एयरफोर्स बेस पर लगभग 1 हफ्ते के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स ने फाइटर प्लेन्स में ट्रेनिंग ली, जिसके बाद दूसरे ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए आगे भेज दिया गया। इसरो ने बेंगलुरु में बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया, जिसे स्पेसिफिकली गगनयान प्रोग्राम के लिए कमीशन किया गया था। बीदर के बाद इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए इसी फैसिलिटी में पहुंचे। गगनयान की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेंटर में 3 तरह के सिमुलेटर्स और दूसरी ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इंक्लूड किया गया है। पहला सिमुलेटर कमर्शियली प्रोक्योर किया गया है, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर है। दूसरा सिमुलेटर मशीन के साथ इंटरेक्शंस को सिमुलेट करता है। वहीं तीसरा सिमुलेटर क्रू मॉडल सिमुलेटर होगा, जिसमें इंटरनल सेटिंग्स, एनवायरमेंट कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी चीजें हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम्स के लिए और ज्यादा बड़ी और सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटी को बेंगलुरु से लगभग 200 किलोमीटर दूर चलकेरे में बनाया जाएगा। इस मिशन में स्पेसिफिक क्रू ट्रेनिंग के बाद
चारों एस्ट्रोनॉट्स को एक एपेक्स कमेटी द्वारा बनाए गए 3 सेमेस्टर करिकुलम को स्टडी करना होगा। इस करिकुलम को बनाने वाली एपेक्स कमेटी में स्पेस में जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा और राकेश शर्मा के साथ स्पेस मिशन के लिए ट्रेनिंग पूरी कर चुके रिटायर्ड एयर कमांडर रवीश मल्होत्रा शामिल है। इस करिकुलम में ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, ऑर्बिटल मॉड्यूल सिस्टम, स्पेस मेडिसिन, लॉन्च कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, माइक्रोग्रेविटी फेमिलराइजेशन, ह्यूमन रेटिंग एंड सर्टिफिकेशन, रिकवरी ऑपरेशंस, सर्वाइवल ट्रेनिंग जैसी सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। अपने एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करने की ही तरह इस मिशन से जुड़ा एक और मेजर चैलेंज है इस मिशन में काम आने वाले स्पेस सूट को बनाना। आज स्पेस सूट मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है रशिया की ज्वेजदा। 1952 में एस्टैब्लिश हुई ये कंपनी एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट क्रू के लिए पोर्टेबल लाइट सपोर्ट सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस करती है। मॉस्को के पास लोकेटेड इस कंपनी ने रशिया के द्वारा यूज किए जाने वाले ज्यादातर स्पेस सूट्स को बनाया है, जिसमें 1961 में स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले ह्यूमन यूरी गागरिन द्वारा यूज किए जाने वाला स्पेस सूट भी शामिल है। रोसकॉस्मोस की सब्सिडी ग्लाफ कॉस्मोस ने ज्वेजदा कंपनी को इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स को मैन्युफैक्चर करने की जिम्मेदारी देते हुए अनाउंस किया कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इसी कंपनी के सूट्स पहनेंगे। ये कंपनी स्पेस सूट्स के अलावा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंडिविजुअल सीट्स और कस्टम मेड काउच लाइनर्स भी बना रही है। अगली रिक्वायरमेंट है मिशन ड्यूरेशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के लिए सूटेबल और रिक्वायर्ड फूड को प्रिपेयर करना। इसकी जिम्मेदारी मैसूरु में सिचुएटेड डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी को दी गई है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ के 40 साइंटिस्ट ने गगनयान मिशन के लिए रेडी टू ईट डिशेज ऑलरेडी तैयार कर ली हैं, जिनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को ऑर्डर्स मिलने पर डिलीवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, मिशन की लॉन्चिंग से पहले कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी होगा, जिसके लिए फॉरेन स्पेस एजेंसीज की हेल्प ली जा रही है। उदाहरण के लिए फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES इंडिया के फ्लाइट फिजिशियंस और कैपकॉम मिशन कंट्रोल टीम्स को ट्रेनिंग देगी। इसी तरह मिशन की स्मूथ मॉनिटरिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात की गई है, ताकि ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी कोकोज आइलैंड पर ग्राउंड स्टेशन सेटअप किया जा सके। दोस्तों, UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों StudyIQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, बैचेस में आपको 1000+ hours का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें StudyIQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 31st of August को StudyIQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस, जो कि हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है, उनमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल StudyIQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। तो गगनयान का वजन होगा 8.2 टन और इसकी कैरिंग कैपेसिटी 3 एस्ट्रोनॉट्स की होगी। थियोरेटिकली साइंटिस्ट ने इस मिशन को स्पेस तक पहुंचाने के प्रोसेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया था। पहला स्टेप यानी सबसे पहले चरण में लॉन्च व्हीकल को डिजाइन और डेवलप करना। इस मिशन के लिए इसरो ने अपने प्रूवन और रिलायबल लॉन्च व्हीकल LVM-3 का चयन किया है। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किया गया था, लेकिन चूंकि इस लॉन्च व्हीकल को मैन्ड मिशन के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, इसलिए अब इसका नाम HLVM-3 यानी ह्यूमन रेटेड LVM-3 रखा गया है। वैसे तो ये लॉन्च व्हीकल 3 स्टेजेस का ही है। इसमें पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड, दूसरी स्टेज लिक्विड फ्यूल बेस्ड और तीसरी क्रायोजेनिक स्टेज होगी। सॉलिड स्टेज में फ्यूल के तौर पे HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन का इस्तेमाल, लिक्विड स्टेज में UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन का यूज, और क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन 2 स्टेजेस के अलावा इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को भी जोड़ा गया है। गगनयान के स्पेस में पहुंचने के बाद लॉन्च व्हीकल से ऑर्बिटल मॉड्यूल अलग हो जाएगा। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक सिस्टम से लैस किया गया है और इस एवियोनिक सिस्टम को ह्यूमन सेफ्टी के मद्देनजर रखकर डेवलप किया गया है। ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 पार्ट्स अटैच्ड हैं। पहला है क्रू मॉड्यूल और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल।
क्रू मॉड्यूल को बिल्कुल अर्थ के किसी हैबिटेबल एनवायरनमेंट की तरह बनाया गया है। इसमें डबल वॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसमें प्रेशराइज्ड मेटलिक इनर स्ट्रक्चर और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ अनप्रेशराइज्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रू मॉड्यूल में क्रू इंटरफेसेस, ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एवियोनिक्स और डिसेलरेशन सिस्टम्स भी मौजूद हैं। साथ ही यही क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस अर्थ सरफेस पर लाने का काम भी करेगा। सर्विस मॉड्यूल का काम होगा ऑर्बिट में रहने के दौरान क्रू मॉड्यूल को नेसेसरी सपोर्ट देना। ये एक अनप्रेशराइज्ड स्ट्रक्चर होगा जिसमें थर्मल सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म्स होंगे। सबसे लास्ट में आता है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर लॉन्च पैड पर या असेंट फेज के दौरान किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है तो ऐसे में क्रू की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये एस्केप सिस्टम डिजाइन किया गया है। ये इमरजेंसी के केस में क्रू को एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचा देगा और इस पर्पस के लिए इस सिस्टम में क्विक एक्टिंग और हाई बर्न रेट वाले सॉलिड मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने मैन्ड मिशन भेजने से पहले अनमैन्ड मिशन भी प्लान कर रखा है। ये टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन सेफ्टी और रिलायबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए एक प्रोटोटाइप की तरह होगा जो क्रूड फ्लाइट से पहले सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्टडी करेगा। अनमैन्ड मिशन में व्योमा मित्र नाम का एक रोबोट को स्पेस भेजा जाएगा और वापस अर्थ पर लाया जाएगा। इस अनमैन्ड मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद मैन्ड मिशन को आगे प्रोसीड करने के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैन्ड मिशन में सबसे पहले LVM-3 लॉन्च व्हीकल को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट गगनयान को स्पेस में लेकर जाएगा और लगभग 16 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट और वाइटल मॉड्यूल को अर्थ के 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में इंजेक्ट कर देगा। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल अर्थ के चक्कर काटता रहेगा और इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को अंजाम देंगे। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में करीब 7 दिन तक रहेंगे और इस दौरान सभी प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करेंगे और मिशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे। मिशन पूरा होने के बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल के दोनों हिस्से यानी सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करते हुए ये क्रू मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को झेलते हुए ये री एंटर कर जाएगा, जिसके बाद इसे बे ऑफ बंगाल में लैंड कराया जाएगा। लैंडिंग के समय अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्रू मॉड्यूल काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होगा और चीज को ध्यान में रखते हुए क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करने के लिए इसमें 2 पैराशूट्स को अटैच किया गया है। ये पैराशूट्स क्रू मॉड्यूल की स्पीड को 216 मीटर पर सेकंड से घटाकर 11 मीटर पर सेकंड तक ले जाएगा, जिसके बाद क्रू मॉड्यूल पानी के ऊपर लैंड कर जाएगा। इस दौरान क्रू मॉड्यूल से एस्ट्रोनॉट्स की रिकवरी के लिए पहले से ही वहां पर एक टीम तैनात होगी जो एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन मेनलैंड पर लेके आएंगे। इस पूरे मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को तरह तरह के चैलेंजेस फेस करने होंगे। गगनयान को पूरे मिशन के दौरान अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ऑक्सीजन की एडिक्वेट सप्लाई, कंफर्टेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना होगा। एक ग्रेविटी फील्ड से दूसरी ग्रेविटी फील्ड में ट्रांजिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनका हैंड आई और हेड आई कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होता है। एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के कंपैरिजन में स्पेस मिशन के दौरान लगभग 10 गुना ज्यादा रेडिएशन झेलनी पड़ती है जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए पूरे सिस्टम को भी फुल प्रूफ बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर सिस्टम में कोई छोटी सी भी गड़बड़ी हुई तो मॉड्यूल इम्प्लोड या एक्सप्लोड हो सकता है। तो गगनयान मिशन के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जहां वो इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को मार्क कर सकता है, लेकिन ये मिशन लगातार डिले होता जा रहा है जिसके कई कारण रहे हैं। गगनयान मिशन में डिले होने का सबसे पहला और मेजर रीजन है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। नेसेसरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और क्रू मॉड्यूल को डेवलप करने के साथ साथ स्पेस में उनकी कॉम्पेटेबिलिटी को परखना जरूरी है, वरना एक छोटी सी गलती के कारण एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान गंवा बैठेंगे, जिसके उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे 27 जनवरी 1967 को हुए अपोलो 1 डिजास्टर में हुआ था। अपोलो 1 मिशन के लिए प्री लॉन्च टेस्ट के दौरान कैबिन में आग लग गई, जिसकी वजह से 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी। जांच में पता लगा कि एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से कैबिन में मौजूद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर ने आग पकड़ ली थी। 28 जनवरी 1986 को भी एक ऐसा ही स्पेस डिजास्टर तब हुआ जब लिफ्ट ऑफ के सिर्फ 73 सेकंड बाद चैलेंजर स्पेस शटल जलकर राख हो गया था। इस एक्सप्लोजन की वजह से सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। इस ट्रेजेडी के रीजन को जब ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर की ओवररिंग सील फेल हो गई थी।
जो इस हादसे का कारण बनी। इसी तरह 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंटर करते हुए आग पकड़ ली थी। जब कारण खोजा गया तो पता लगा कि लॉन्च के दौरान एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से निकला हुआ फोम इंसुलेशन का एक पीस व्हीकल के लेफ्ट विंग पर लग गया था, जिससे स्पेस शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम डैमेज हो गया था। री एंट्री के दौरान इसी डैमेज का फायदा उठाकर सुपरहिट गैसेस पेनिट्रेट कर गई और स्पेस शटल के साथ साथ उसमें मौजूद 7 क्रू मेंबर्स भी जल गए। दोस्तों, क्रैश के एग्जाम्पल से बताने के लिए काफी है कि मैन्ड स्पेस मिशन कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें इंश्योर करने के लिए एक एक कदम फूक फूक कर रखना जरूरी है, जो डिले का मेजर रीजन है। इन्हीं टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज के कारण 2020 में आया ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक भी डिले का एक मेजर कारण बना। लॉकडाउन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में वर्क शेड्यूल के साथ साथ सप्लाई चेन और कोलैबोरेशन को भी डिस्टर्ब किया। इसके अलावा बजट कंस्ट्रेंट्स, दूसरे मिशन की प्रायोरिटी और रिग्रेस टेस्टिंग जैसे रीजंस भी समय समय पर इस प्रोग्राम को डिले करते रहे हैं। गगनयान मिशन भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक रिमार्केबल माइलस्टोन बन सकता है। अंतरिक्ष में ह्यूमंस को भेजने का जो एम इसरो ने बनाया है, वह देश के डिटर्मिनेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरह कमिटमेंट को दर्शाता है। अगर ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया गया तो न सिर्फ इससे स्पेस ट्रेवल में भारत की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकेगा, बल्कि फ्यूचर जनरेशन को और भी बड़े स्पेस मिशन करने के लिए इंस्पायर किया जा सकेगा। अब जैसे जैसे मिशन आगे प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ बढ़ेगी। फिलहाल इस मिशन की प्रोग्रेस को देखते हुए एक बात तय है कि इसे लॉन्च होने में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसरो फुल प्रूफ प्लान के साथ ही इस मिशन की तैयारी कर रहा है, जो इस मिशन की सक्सेस प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। जिस तरह से इसरो ने मून के साउथ पोल पर लैंड करके भारत को गौरवान्वित किया है, इससे भी बेहतर एहसास गगनयान हमें देने वाला है। इसी उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट्स व्हिच इंडिया विल गेट आफ्टर अचीविंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।